गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बी सेफ एंड हेल्दी ओके इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट नीड फॉर कीपिंग अवर सेल्स हेल्दी द की टू गुड हेल्थ नीड फॉर कीपिंग अवर सेल्स सेफ एंड फर्स्ट एड ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नीड फॉर कीपिंग अवर सेल्स हेल्दी ओके तो अगर हम बात करें हेल्दी की वट विल बी द मतलब इसका मीनिंग क्या होगा तो हम कह सकते हैं जब हम फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली फिट हों ठीक है और क्या हमें कोई डिजीज ना हो डिजीज फ्री हो और कोई इतना स्ट्रेस ना हो हमारे माइंड पे देन वी कैन से कि हाँ हम हेल्दी हैं लेकिन हेल्दी रहना अब काफ़ी मतलब डिफिकल्ट होता जा रहा है ठीक है तो खुद को मेंटेन करके रखना खुद को हेल्दी बना के रखना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी एल्स तो गुड हेल्थ इज समथिंग इज नॉट समथिंग विच वी कैन बाय ये ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बाय नहीं कर सकते खुद से ही खुद का ध्यान रख सकते हैं ठीक है और ये क्या एक बेस्ट गिफ्ट हम किसी को क्या दे सकते हैं लाइक अपनी फैमिली या फिर वर्ल्ड को अब जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस काफी फैल चुका है तो क्या अब हम सभी यही कहते हैं कि खुद को हेल्दी रखो सबसे दूर रखो एंड क्या सेफ रहो ठीक है तो हेल्दी रखना काफ़ी जरूरी हो गया है तो अगर हमें हैप्पी लाइफ चाहिए तो क्या हमें, आ, आ, है हमें हेल्दी रहना काफ़ी ज़रूरी है ठीक है मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़रूरी है इसको क्या है हम कैसे अपने आप को मतलब हेल्दी रख सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको क्या है हम प्रॉपर ध्यान रख के लाइक like, अब जैसे हम कुछ भी करते हैं या फिर कहीं बाहर से आते है, हम हैं हम वॉश योर हैंड्स ठीक है अपने हाथ वॉश करना तो ऐसी चीज़ें हैं कि अब हम अपने आप खुद ध्यान रख सकते हैं फिर आ गया कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है वो क्या हम अपनी लाइफ के सभी इवेंट्स को इन्जॉय कर सकते हैं ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन इन्जॉय ऑल द इवेंट्स ऑफ लाइफ सपोज अगर कोई बीमार पर्सन है ठीक है इवन उसे कफ कोल्ड भी है तो वो क्या एक भी चीज़ को मतलब उस चीज़ को प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको क्या है मतलब डाउन uh, फील होता रहेगा लेकिन जो हेल्दी पर्सन है वो क्या हैप्पी फील करेगा ऑल द टाइम तो क्या हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक दैट इज़ द की टू गुड हेल्थ ऐसे कौन कौन से कीज हैं कि जिससे क्या हम अपने हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी uh, मतलब गुड हेल्थ को मेंटेन करना क्या है हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज से ही होता है ठीक है मतलब जब जैसे हमने हेल्दी खाना खाना रेगुलर एक्सरसाइज करनी अपने साफ सफाई करनी ठीक है मतलब अपने सराउंडिंग्स की साफ सफाई करनी पोस्चर्स करेक्ट होने चाहिए हमारी आ, मतलब स्लीप प्रॉपर होने चाहिए रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए तो ये जो चीज़ें हैं ये हम डेली लाइफ में करते हैं एंड ये इनको अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो क्या हम अपने गुड uh, हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं ठीक है अपने गुड हेल्थ को मेनटेन कर रहे हैं वी कैन से दिस ओके लेट्स स्टार्ट विद हेल्दी फूड अगर मतलब अगर हम लेके चलें कि मतलब हमारा जो खाना होता है डेली हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या है हमारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए सबसे पहली बात ये है कि जो आ, जो ऐसी ऐसी चीजें जो क्या हमारी बॉडी को एनर्जी दें ठीक है ग्रोथ होने आ, मतलब उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो हमारी बॉडी की ठीक है तो ऐसी चीजें क्या है हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए ऐसा फूड हमारी बॉडी को मिलना चाहिए फूड्स विच आर फुल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी एंड ग्रोथ टू बॉडी ऐसा फूड जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी दें ठीक है एंड क्या है ग्रोथ प्रॉपर करे हमारी बॉडी की उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिल रहे हैं अच्छा आ, आ, हेल्दी फूड हमारी बॉडी को मिल रहा है ठीक है एंड सबसे मेन बात जो है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को एंड शुगरी ड्रिंक्स को क्योंकि इससे क्या है मतलब ये जो खाना होता है जो हमारा जंक फूड होता है ये क्या काफ़ी टाइम लेता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए ठीक है तो बाद में क्या है डाइजेस्ट होने के बाद क्या है वो मतलब जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो वो क्या हम ओबेस्ट भी हो सकती है फैट भी आ सकता है ठीक है तो ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है सो तो हमें क्या है अवॉइड करना चाहिए इसको जंक फूड को एंड शुगरी ड्रिंक्स को गुड हेल्थ मेंटेन करके रखने के लिए अब अगर हमने बात फूड की की है तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी गुड हैबिट्स हैं हमारे खाने में जो हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैबिट्स जो कि हमें गुड uh, हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है कीप ऑल द फूड आइटम्स कवर्ड जो भी हमारा खाना होता है ठीक है मतलब हमें ऐसे रखना चाहिए उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए क्योंकि हाउस फ्लाइज होती हैं वो क्या हमारे खाने को गंदा कर देती हैं, एंड हमें क्या डिजीज हो सकती है ठीक है तो क्या है? खाने को हमेशा कवर करके रखना चाहिए एंड यूज क्लीन यूटेंसिल्स मतलब अगर हम यूटेंसिल्स को क्लीन नहीं करेंगे क्लीन करके यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हमारे जो बैक्टीरियाज़ होंगे वो क्या फैल जाएंगे हमारे खाने में ठीक है खाने पे, तो इसीलिए क्या हमें यूटेंसिल्स क्लीन करके रखने चाहिए मतलब उनको क्लीन यूज़ करना चाहिए दैन कम्स वॉश यो हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील्स जब भी, भी खाना खाएं हमें क्या है अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए क्योंकि हमारे मतलब सपोज हमने कोई काम किया ठीक है या फिर हमारा मतलब हम खेल रहे थे तो किसी पे हमने टच किया होगा तो वो जर्म्स जो होंगे वो हमारे हाथ में आ जाएंगे और अगर हम ऐसी खाना खा लेंगे तो वो जर्म्स क्या है हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे ठीक है हमारे माउथ के थ्रू तो इसी क्या है हमें आ, वॉश करने चाहिए हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर दी मील्स ईट फ्रेश कट फ्रूट्स एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड हमें क्या है जो हमारा फ्रूट होता है उसको फ्रेशली कट करके खाना चाहिए ऐसे नहीं है कि हाँ हमने कभी भी कट कर लिया और बाद में खा लिया ऐसा नहीं कट फ्रेशली कट करके खाना चाहिए एंड क्या जो भी हमारा खाना हम कुक करते हैं पकाते हैं वो क्या प्रॉपरली कुक होना चाहिए अदरवाइज क्या है हमें मतलब अगर प्रॉपर्ली कुक नहीं होगा ठीक है लाइक वैसे का वैसे ही रहा रहेगा तो क्या है हमें मतलब इन डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं इस वजह से तो इसीलिए क्या हमें फूड को प्रॉपरली कुक करना चाहिए ओके नाउ सेकंड इज रेगुलर एक्सरसाइज अब रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम डेली रूटीन में अपने रे, एक्सरसाइज को एड इन करेंगे इससे क्या है हमारी बॉडी क्या स्ट्रांग बनेगी एंड उसका स्टेमिना जो होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा ठीक है एंड हमारी बॉडी क्या है हेल्दी होगी एंड हम और यहाँ पे क्या है हमारी डिजीज के रिस्क लो हो जाएंगे मतलब काफ़ी हद तक क्या है हमारी बॉडी की इम्यू इम्यूनिटी सिस्टम क्या है हो जाएगा इम्प्रूव हो जाएगा ठीक है जरूरी नहीं है कि हाँ हमने प्रॉपर एक्सरसाइज या योगा ही करना है अब जैसे हम डांसिंग स्विमिंग साइकिलिंग ये कुछ या फिर हम कुछ खेल सकते हैं ये सब क्या है कि इनमें हम मतलब हमारी एक्टिविटीज़ कवर भी हो जाती है रेगुलर एक्सरसाइज भी कवर हो जाती है और क्या बच्चों के लिए काफ़ी सही रहता है फिट एंड हेल्दी रहने के लिए थैंक यू